जोधपुर शहर में शनिवार सुबह एक साथ 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि ये सभी पहले से संक्रमित 2 महिलाओं के परिजन हैं। शहर के नागौरी गेट क्षेत्र की 26 वर्षीय महिला के संक्रमित पाए जाने पर उसके परिजनों की जांच रिपोर्ट में 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह बासनी क्षेत्र के कॉलोनी में संक्रमित पाई गई 57 वर्षीय महिला के पति और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोनों महिलाओं के निवास स्थान के क्षेत्र में पहले से कर्फ्यू लगाया हुआ है। शहर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 17 हो चुकी है। इसके अलावा ईरान से लाए गए 27 भारतीय भी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका भी जोधपुर में इलाज जारी है। कोरोना वायरस के बाद जोधपुर के कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। जोधपुर के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, नागौरी गेट थाना क्षेत्र, कुड़ी थाना क्षेत्र, प्रताप नगर और देवनगर। आप देख सकते हैं ये नजारा है अभी नागौरी गेट थाना क्षेत्र का, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र की नजमा नाम की एक महिला पॉजिटिव आई थी। उसके बाद आज जो उनके परिवार के लोगों के जो जांच के लिए सैंपल भरे गए थे, उनमें से 5 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सवेरे से ही यहाँ घर घर जाके पूरे घर की डिटेल ले रही है, कितने सदस्य है, कोई नजमा और उसके परिवार के लोगों के संपर्क में तो नहीं आया, इस तरह की जाँच सुबह से शुरू होगी। साथ ही आज जो जोधपुर में कुल 9 मामले आए हैं, उसमें 2 जो बासनी क्षेत्र के रहने वाली एक महिला थी उसके संपर्क में आने से आए थे, और जिसके चलते आज जोधपुर के 7 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, उनकी सबकी घर घर जाकर स्कैनिंग की जा रही। साथ ही जो पुलिस पूरी मस्तैद से 2 दिन से यहाँ का मुस्तैद है और अपने जो धारा 144 लगाई गई है उसकी पालना में लगी हुई है। आप देख सकते हैं हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर एक पुलिसकर्मी लगाया है, जो सभी को घर के अंदर रहने की हिदायत दे रहे हैं। लोग भी आप देख सकते हैं जहाँ बालकनियों में खड़े होकर गलियों के नज़ारे देख रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आई उसके बाद ये लोग बाहर नजर आ रहे हैं। उससे पहले पुलिस बार बार हिदायत देकर लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है और इन लोगों से यही अपील करता है A1 TV भी कि वो घरों में रहे और इस महामारी से बचें।